हेलो, ये चैप्टर 11.2। तो पहले वन नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, त्रिज्या यानी आर। तो चलिए पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। पहले प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग माप लेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद पूरा त्रिज्या खींच लेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो ये हो गया इसका केंद्र, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमें बिंदु लेना है। तो हम लोग नाप लेंगे और ये हो गया वृत्त से बाहर एक 10 सेंटीमीटर की बिंदु। तो इसको मिला देंगे, ओ ए। फिर हमें इस रेखाखंड का मिडिल पॉइंट जानना है। तो मिडिल पॉइंट जानने के लिए इस बिंदु से इस रेखाखंड का आधा से ज़्यादा प्रोटेक्टर को बढ़ा के काट देंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर इस बिंदु से एक बार काटेंगे, काटने के बाद हम लोग इसे मिला देंगे। ये हो गया रेखाखंड का यानी AO का मिडिल पॉइंट। हम लोग मिडिल पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं जैसे B। फिर इस मिडिल पॉइंट में इस प्रोटेक्टर को बैठा के इसको नाप लेंगे। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ध्यान में रखना होगा। ये BA जितना होगा, ये OB भी उतना ही होगा। अच्छे से नाप लेते हैं, फिर मिडिल पॉइंट में बिठा के उसको फिर एक गोल खींचना है यानी वृत्त बनानी है। तो ये बड़े से वृत्त में इस रेखा से इस वृत्त पर एक हमें स्पर्श रेखा बनानी है। तो जहाँ पे ये कटा है यानी इस छोटे से वृत्त ने इस बड़े से वृत्त को स्पर्श किया है, उस स्पर्श से A पॉइंट को हम मिला देंगे। फिर यहाँ भी एक बार स्पर्श किया है इस छोटे वृत्त ने बड़े वृत्त को, तो ऐसे मिला देंगे। ये हो गया C और ये हो गया D। तो स्पर्श रेखाएं हो गई AC और AD। हमें क्वेश्चन में इन्हें नापने को भी कहा गया था, तो नाप लेंगे 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएँ हैं वो समान आनी चाहिए। अगर आपका आंसर में समान नहीं आएगा तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये था एक नंबर का और एक्सरसाइज है 11.2। तो ये मैथ ऐसे ही बनेगा, आप लोग देख लीजिए।